ओम ज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्विषे नमः। पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादित्रतश्चार्थ सुभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आविश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम 10-10 चैप्टर। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 34 श्लोक क्रमांक 12। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा ब्रजवासी शिवरात्रि पर शिव पूजा के लिए गए थे और रात्रि के समय वह अजगर वहां आया और वह भूखा था। उसने नंद महाराज के गले को पकड़ लिया और उनको निगलने का प्रयास कर रहा था। नंद महाराज के पुकारने पर भगवान श्री कृष्ण वहां आए और अजगर को पर अपना चरण स्पर्श किया। वह अजगर एक विद्याधर में
परिणत हो गया। कृष्ण अस्तिम को भवान प्रयान तो कृष्ण रोचते कृष्ण वेदम कृष्ण ने उनसे पूछा कथम जुगुप्सितामेतां गतिम वा प्रापितोऽमुष्मत् हू आर यू एंड कि आप कौन हैं व्हाट मेड यू और गेट इनटू दिस फॉर्म आपको यह सर्प देह कैसे प्राप्त हुआ था। सो नाउ स्नेक इज स्पीकिंग तो अब वह सर्प सो उत्तर दे स्नेक रहा है। उवाच अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्या विमानेन चरन् दिशः ऋषीन्द्रियूपानङ्गिरसः प्राहसं रूपं दर्पितः तैलिमा प्रापितो योनिं प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना सो द स्नेक सेड दैट आई एम ए तो विद्याधर सर्प ने कहा कि मैं एक विद्याधर हूं, मेरा नाम है सुदर्शन, मैं बहुत सुंदर था। वो तो अभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं बहुत धनवान था, मैं यहाँ वहाँ विचरण करता था। मैंने अंगिरस ऋषि को देखा of sage Angirasa, और जो अंगिरस and ऋषि they are के शिष्यों beautiful because I am को beautiful. देखा, वो ये तो इतने So I सुंदर made नहीं fun थे, of them. मैं बहुत सुंदर था, तो मैंने उनका मजाक उड़ाया। So because of that, they इसके cursed कारण me उन्होंने मुझे श्राप and दिया क्योंकि ridiculed by me. तो मैंने So उनका my own sinful मजाक उड़ाया था। actions तो मेरे पाप या मेरे अपराध cursed के कारण by my मुझे यह curse. सर्प उनके श्राप से सर्प देह See, it प्राप्त happens हुआ। in material life. People become तो beautiful भौतिक because they जीवन में यह are होता है, amazing. लोग अहंकारी हो जाते हैं, विशेष So, रूप से धन से अहंकार आता है और सौंदर्य से आता है। he had both. He was beautiful and he तो was उनके पास handsome. दोनों था, वे बहुत धनवान भी And थे so, और even each one of सुंदर them भी थे। तो was very proud. एक-एक से ही Kashyap बहुत अहंकार Bhagavan आ was जाता very है। chatushtayam. Youth, beauty, wealth, power, these four things make people very proud. तो यौवन, Kashyap सौंदर्य, Bhagavan and धन, Bhagavan शक्ति, ये was सब से in life, so he was also अहंकार proud. आता है। तो यहाँ तो ये सभी So थे, तो naturally, ये जवान भी थे। in material person, he was तो एक proud. भौतिकवादी होने के कारण Because वे all these अहंकारी हो गए, क्योंकि undesirable things in this material world, भौतिक संसार में ये सब to look इच्छित good, वस्तुएं हैं। हर कोई सुंदर लगना rich, चाहता है, large, हर having कोई huge धनवान wealth, होना चाहता है, हर कोई शक्तिशाली होना चाहता है, afford. और कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। So if somebody has, then तो यदि किसी में ये सब है right. तो बहुत अपने आप को महान समझता So है। and then when you are proud, you और फिर जब अहंकार होता है make offenses by तब अपराध करते हैं, ridiculing others, by दूसरों की disrespecting others. भर्त्सना करते हैं, उनका अनादर That's why करते Sri हैं। Chaitanya Mahaprabhu said that we should इसलिए be श्री humble, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया surrender कि all our नम्र होना faults to चाहिए। him. So devotee is naturally humble तो भक्त स्वाभाविक रूप से because नम्र ही होता he है, has proper understanding क्योंकि of भक्त this को सही समझ material होती world, है these material things. और वह इन भौतिक So वस्तुओं when में he रुचि has, नहीं then he लेता is है। not proud of it. यदि उसके पास ये Even सब है if भी he तो has भी वह अहंकार नहीं करता, क्योंकि ये सब very good तो things, he is still proud of borrowed क्षणिक things. है। All of them, whether it is wealth, it is called chanchala. One of the name of wealth is तो धन धन को चंचला कहते chanchala. हैं। They call it currency. Moves. You can have and you can lose it and get it again. तो अंग्रेजी में जो उसे इसलिए Money करेंसी can कहते हैं, वो come आ and goes, सकता है, जा income सकता comes है। or comes back. जवानी भी वैसी है, जवानी तो आता है और जाता है और So जाकर फिर power नहीं is आता also है। temporary. तो शक्ति भी क्षणिक ही So है, therefore one should not be proud of these things and if one has इसलिए इन them, पर अहंकार नहीं करना one चाहिए। can use them यदि for हो yatha तो इनका प्रयोग yoga. कर सकते हैं। That Krishna said that by your कृष्ण ने wealth, कहा by कि your आप अपने power, धन से, अपनी शक्ति से strength, you should do good to others. इनसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, Otherwise, one becomes a snake. अन्यथा फिर So सांप बनना snake पड़ेगा। is everybody scared of them. Nobody wants to go near a तो snake. सांप से हर कोई And the snake घबराता है, कोई is सांप के निकट नहीं जाना चाहता है। like crawling on the chest. उसके Nothing कोई but पैर नहीं power and होते, confusion. वह छाती के बल पर ही रेंगता है। Still, he only did one good thing all
तो down to Nand Maharaj's feet. Generally, in Indian सांप ने states, अच्छा काम ये किया कि उसने नंद महाराज के चरण पकड़े and he thought so strongly that he will not leave. और इतने दृढ़ता So that was his good quality. से पकड़ा, वो छोड़ने तैयार नहीं था, वह उसका सद्गुण था। श्रुतः शारार्थ दर्शिनी टीका। मीन्स फेमस श्रुत अर्थात विख्यात, वह विख्यात था, सुदर्शन नाम भी सुदर्शन था। सुदर्शन अर्थात जो सुंदर हैं, जो दिखने में सुंदर लगते हैं। और चूंकि उनके पास धन था, वो यहाँ वहाँ विचरण कर रहे थे, उनके पास अपना खुद का विमान था, अपना व्यक्तिगत विमान था, जिसमें वो घूम रहे थे, जैसे धनी लोगों के पास अपने खुद के विमान, व्यक्तिगत विमान होते हैं। तो कई बार धन जो है वो एक अभिशाप हो जाता है, क्योंकि तो व्यक्ति फिर बिगड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, खेलते हुए बस इधर उधर, बिना किसी उद्देश्य से। और जो मैंने जो ऋषियों को देखा, मैंने उनकी भर्त्सना की, क्योंकि मैंने उनका मजाक उड़ाया। उसके फलस्वरूप मैं सांप बन गया। तो सांप तो कुछ बोल नहीं सकता, कोई आवाज भी नहीं कर सकता। कुत्ते बिल्ली कम से कम कुछ आवाज तो कर सकते हैं, सांप वो भी नहीं कर सकता, तो वो कोई भर्त्सना नहीं कर सकता। केवल छोटी सी दो आंखें होती हैं। और वो कहता है, But he says that although they तो cursed कह me, रहा है कि यद्यपि उन्होंने after मुझे their शाप curse दिया, also became blessing for me, उनका शाप भी मेरे because लिए they were आशीर्वाद बन गया, क्योंकि gracious. वे बहुत करुणामय So थे। their तो sages, वे they ऋषि don't थे, do harm anybody. ऋषि So they मुनि should किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। turn their यदि वे शाप curse. देते हैं तो वो He भी finds that आशीर्वाद बन जाता है। because of कैसे? their उनके curse, now I have the शाप के कारण grace of Loka Guru, the अब इसलिए Guru of मुझे two worlds, Sri पूरे Krishna. जगत गुरु श्री कृष्ण जगत गुरु का आशीर्वाद I मिला, got the touch of your feet. मुझे उनके चरण Many का great स्पर्श yogis मिला है। cannot get such an opportunity बड़े बड़े योगियों to को get भी touched ऐसा by the feet of Sri अवसर Krishna. प्राप्त नहीं होता है, कि When Brahma did not get this opportunity, all ब्रह्मा जी को भी saw him as यह a अवसर god. नहीं मिला। ब्रह्मा जी They आए saw थे, his stuti, उन्होंने कृष्ण की स्तुति की थी, did not get the opportunity पर to उन्हें यह अवसर नहीं touch मिला his था feet. कि वे कृष्ण का चरण स्पर्श कर So सके। therefore he इसलिए says that वे कहते this was हैं their anugraha. कि ये उन ऋषियों का मुझ पर अनुग्रह था। So everything has two sides to it. तो हर So विषय के दो everything पहलू होते हैं, also has some good in them. जो जो बातें खराब लगती है उनमें भी कुछ If अच्छा we पहलू रहता है। then we can यदि also हमारा see some दृष्टिकोण अच्छा blessing in है it. तो हम We can उसमें अच्छाई also देख see सकेंगे, any blessing और जो आशीर्वाद है apart वो from it are also भी, not good. यदि हमारा दृष्टिकोण खराब So है तो वो भी all खराब ही on our निकलेगा। mindset. तो हमारी मानसिकता पर ही निर्भर करता है Mindset कि can be हम beneficial मानसिकता advancement यदि अच्छी हो तो bhakti. प्रत्येक स्थिति में हम भक्ति में But if प्रगति our कर mindset सकते is हैं। not good, then we परंतु can यदि only have मानसिकता bhakti, खराब है but only तो वृंदावन में रह के little bit भी of केवल external हम material happiness. दोष निकालते रहेंगे स्थितियों So में, it's also वही happening भौतिक चीजों में फंसे रहेंगे। तो that people ये get भी the होता है, opportunity to be in Vrindavan लोगों को वृंदावन में रहने का associated अवसर मिलता है, devotees, भक्तों का संग मिलता है, and then they remain engaged only in things which they could have done outside परंतु also. वो ऐसे कार्यों में ही लिप्त रहते हैं जो So वे it's वृंदावन also के बाहर भी कर सकते थे। तो वृंदावन में रह के विशेष लाभ क्या हुआ, more offenses. बल्कि यहाँ पर वो और ज्यादा अपराध करते हैं। So main thing is we have to तो keep our मुख्य बात mindset है, हमारे no हमें matter अपनी मानसिकता, हमारा लक्ष्य को स्थिर रखना होगा। जब तक लक्ष्य सही नहीं है, जहां भी जाएंगे हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, situation around you, हम because अपने वही स्थिति that तैयार कर लेंगे। deals with the situation.
तो हमारा मन जो है वो स्थिति के हिसाब से माया रिएक्ट करता है। रूम तो मन जब माया में डूबा है टेंपल रूम तो हमें मंदिर मंदिर में भी माया ही लगेगी। माइंड कैन बी स्टिल एनमेस्ट इन माया तो मंदिर में सो रहकर भी मन पूरी देयरफॉर तरह माया में कृष्ण डूबा रह सकता कॉन्शियसनेस है। नहीं भक्त तो कृष्ण आत्मा कहते हैं, स्वरूप मन मना भव मद भक्त। सो आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा ही रूप आत्मा सो आत्मा इज बंधु माइंड इज आवर फ्रेंड इफ इट इज फिक्स्ड एट फीट ऑफ श्री कृष्णा अदरवाइज तो मन इट्स यदि कृष्ण के चरण कमल में स्थिर रहे तो ठीक है, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। क्रिएटिंग मोर एंड मोर ट्रबल फॉर तो लोग देमसेल्व्स ये सब एज करके कॉल अपने ही सेल्स लिए ही समस्या खड़ी ही करते गॉड हैं। स्वेन स्वेन पाप मना सो ही गॉड द सेंस आफ्टर दिस नाउ ही इज नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी ही सेज आई गॉट इनटू दिस ट्रबल बिकॉज ऑफ माय ओन अब सेल्फ वो किसी को, वो विद्याधर किसी को दोष नहीं दे ही रहे सेज हैं, ऑल द वो टाइम अपने आप को ही दोष दे रहे हैं कि मैंने ही ऐसा किया सेल्फ था। हैज कॉज्ड इट एंड आई एम फ्लॉलेस तो हम दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं कि हमारा तो कोई दोष है नहीं, हम गलत सो कैसे हो सकते हैं, मैं तो कभी गलत था ही नहीं। ही इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक तो दैट्स व्हाई ही इज एबल टू वह सी द कृष्ण अपने ऑल्सो एज ए गलती ब्लेसिंग को स्वीकार कर रहे हैं, सो इसलिए वे शाप को दैट्स भी आशीर्वाद दिस इज समझ पा रहे हैं। अशुभ तो ये भक्त की मानसिकता एंड द होती प्लेस है। ऑफ योर फुट हत अशुभ कि ऑस्पिसियस आपके चरण प्लेस स्पर्श एंड के कारण स्पिरिट मेरे सारे अशुभ सो दूर हो गए हैं। ऑस्पिसियसनेस इज इम्प्रॉपर थिंकिंग तो अशुभ क्या है? गलत सोच, इज नो अदर और इनऑस्पिसियसनेस कोई अशुभ होता नहीं सो है। आउटसाइड ऑल्सो वी से दिस इज ऑस्पिसियस दिस जैसे हम ऑस्पिसियस बाहर कहते हैं कि यह अशुभ सो है, दैट यह वी कैन अशुभ डिफाइन है, इट टाइम ये सही समय है, ये गलत एंड समय है, ज्योतिष डील्स इन दैट ज्योतिष जो कहते बट द हैं। मेन थिंग इज पर मुख्य बात है इनसाइड द माइंड मन के अंदर क्या है। कबीर देयरफॉर कबीर दास सेज इसलिए दिस कबीर दास इज जी कहते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब लगन वे कहते हैं कि मुहूर्त और ये सब लग्न बकवास मुहूर्त, ये सब सब झूठ बकवास बट होता इफ है। योर क्योंकि माइंड इज फिक्स्ड तो यदि आपका मन स्थिर है, इट्स एवरीडे फेस्टिवल प्रतिदिन उत्सव है, एंड इफ माइंड इज और मन क्लीन यदि माइंड इज स्थिर गुड नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, देन मन ऑल में माइंड मैल इज है, चेंजिंग तो सब खराब ही मुहूर्त होंगे। तो सो देयरफॉर से यदा हम लोकम इसलिए मुक्त्वा पदास्पृष्टो हताशो दिस इज वो कह रहे हैं ब्लेसिंग कि यह एंड इफ वी आशीर्वाद है, ट्रांसेंड एंड इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो डिवाइन सकता ग्रेस है। फ्रॉम कृष्णस फुट डायरेक्टली कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श से बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। स्वतः शापात सो इट सेज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस शरत दर्शनी टीका कि यह शाप के कारण। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जस्टिस वन इज मटेरियल जस्टिस वन दो इज प्रकार के स्पिरिचुअल न्याय होते जस्टिस हैं, एक भौतिक न्याय सो और इफ एक यू आर कॉट इन आध्यात्मिक मटेरियल न्याय। जस्टिस यदि हम भौतिक न्याय में यू आर फंसे गोइंग टू रहे लूज स्पिरिचुअल दैट्स वेयर माइंड गेट्स कंप्लीटली डेविएटेड तो भौतिक न्याय में यदि हम फंसे रहे तो मन भ्रमित हो जाएगा, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड पर हम सो समझते डोंट नहीं है कि थिंक समय ऑफ स्पिरिचुअल और सो ऑल दिस सुख दुख स्थिति सब निरंतर सीमित है। कर्मणा जायते तो ये जन्म सुख जन्म दुख आता जाता रहता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एव विपद्यते सो ऑल दिस हैप्पीनेस डिस्ट्रेस ट्रबल्स गुड सिचुएशंस तो दे ये ऑल सब कम एंड सुख दुख कम एंड गो समस्याएं, ये सब आती सो हैं जाती हैं। देयरफॉर तस्य हेतो प्रेतेत को विदो न लभ्यते भ्रमितां कुरियन दोज हु आर कोविद और दोज हु आर इंटेलिजेंट जो कोविद हैं, वो शार्प जो बुद्धिमान हैं, जो होशियार हैं, मेक एफर्ट ओनली फॉर दैट विच इज नॉट अवेलेबल उन्हें हियर उसी एंड नाउ उसी के लिए प्रयास करना चाहिए जो वॉट इज इस अवेलेबल इन भौतिक दिस संसार में मिलता नहीं है। क्योंकि टेम्पररी भौतिक संसार में जो कुछ टेम्पररी भी प्राप्य परमानेंट है वो सब अनित्य है। एनिहिलेटेड टू गिव अप द परमानेंट एंड वर्क फॉर इम्परमानेंट यदि इज अ आप वेस्ट नित्य को छोड़ के अनित्य के लिए कार्य करेंगे, बाय परमानेंट यू हैव ड्रॉप एंड तो इम्परमानेंट नित्य यू हैव को लॉस्ट त्याग दिया है इम्परमानेंट गेन और अनित्य वो तो ऐसे भी जाएगा, सो वी आर एटर्नल तो लाभ बीइंग क्या वी हुआ? शुड
तो हम शाश्वत जीव हैं, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। यह बहुत बड़ा एक मूर्खता है कि एक आध्यात्मिक जो जीव है वह जड़ वस्तुओं के पीछे भाग रहा है। इसमें तर्क क्या है? ये तो न्याय संगति नहीं है, ये कौन सा बुद्धिमानी है? सो तो बुद्धिमान कौन है? जो जिसमें यह विवेक हो, यही वास्तविक होशियारी है। नहीं तो बाकी सब बुद्धिमत्ता, उसका कुछ विशेष, कुछ अधिक कोई अर्थ नहीं है। प्रपन्नानां भयापहं आपृच्छे शाप निर्मुक्ता पाद स्पर्शादमेवहं। सो नाउ ही तो डिड अब नॉट वांट टू टेक मच टाइम, वो ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था कृष्ण का, वांट टू हैंग अराउंड देयर आल्सो, ही डज नॉट फिट इन दैट कम्युनिटी, क्योंकि वह सो तो उस वृंदावन के समाज में आई ठीक स्थित भी नहीं होते। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपसे अब जाने की आज्ञा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं अब उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ आपकी कृपा से, आपके चरण स्पर्श से। इसलिए आप ही शरण शरण हैं, जो आपका शरण लेते हैं आप उनको शरण देते हैं, आप भय दूर करते हैं। जो आपके शरणागत हैं जिनमें भौतिक संसार का भय हो, तो आप उस भय को दूर करते हैं। तो मैं आपसे विदा लेने की स्वीकृति चाहता हूँ। आप कष्ट को दूर करने वाले हैं। तो अंग्रेजी में जो अमीबा कहते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं शब्द है अमीबहन, अमीबहन। तो कृष्ण अमीबा को नष्ट करते हैं, तो अंग्रेजी में अमीबा कहते हैं, यहाँ अमीब शब्द है, और अमीबा शब्द भी अमीब से आया है, और कृष्ण अमीबहन है। अमीबा कम्स फ्रॉम अम रोग तो धातु, अमीबा अम अम रोग अम धातु से आता है, अमीबा रोग उत्पन्न करता है। तो कृष्ण इस रोग को दूर करते हैं। तो अम से है, आमय आमय रोग का कारण होता है, वह हम से आता है अमीबा। आपृच्छे स्वलोकम गंतम अनुज्ञाम याचे, सारार्थदर्शिनी टीका परमिशन फ्रॉम यू, तो कह रहे हैं कि मैं रिटर्न टू माय लौटने की स्वीकृति चाहता हूं बिकॉज़ ही हैज आपसे, क्योंकि फैमिली चिल्ड्रन तो उनका खुद का फ्रेंड्स परिवार है, बच्चे रिलेशंस हैं, बिलोंग्स टू मित्र कुबेर, हैं, वह वे कुबेर के सेवक हैं। सो दिस आल्सो शोज हाउ ऑफेंसेस कैन बी तो इसमें हमें समझ में आता है कि अपराध बड़े खतरनाक होते हैं, सेजेस, क्योंकि तो उन्होंने महान ऋषियों का अपमान सो किया था। अमीबहन गिव्स द मीनिंग है दुखा हंता, अमीबा मींस तो अमीबहन के लिए कह रहे हैं डिजीज, कि डिजीज इज अमीबहन, ऑफन अमीब अर्थात डिजीज इज कष्ट, मीनिंग एज रोग। रोग भी कष्ट ही सो है, कृष्ण इज रोग कोई किसी विद को प्रसन्न तो करता नहीं है। तो डिजीज कृष्ण ऑफ सफरिंग, इस रोग या कष्ट को दूर करते हैं। प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पते अनजानी ही माम देव सर्वलोकेश्वरेश्वरः, सो ही इज
कृष्णा तो वे कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि हे महायोगिन, हे महापुरुष ग्रेट हे मास्टर महापुरुष, हे सतपति, डिवोटीज भक्तों के स्वामी, देवा हे देव, सर्वलोकेश्वर ऑफ ऑल द हे कंट्रोलर्स ऑफ ऑल द सभी लोकेस लोकों के ईश्वरों के ईश्वर, मैं आपका शरणागत हूँ। एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ हैज सरेंडर्ड टू कृष्णा फीट तो वे एंड कृष्ण की एक्सेप्टिंग चरणों की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। हिज अनुजानी सेंट गिव मी परमिशन अनुज्ञान देहि तो सो दैट वे आई कैन जाने की स्वीकृति मांग रहे हैं रिटर्न बैक टू माय ओन प्लेस। ताकि वे अपने स्थान वापस लौट सके। हे महायोगिन सारार्थ दर्शिनी टीका। स्वाहम अधुना एव महाखल सर्पस्त्वत् पितरम् अग्रसम् स्वाहम् अस्मादधुना एव लब्ध सद्विवेकस्त्वां स्तौमि इति अचिन्त्यम्। सो ही इज कॉलिंग हिज एज तो महायोगिन वे कृष्ण को महायोगिन कह रहे हैं, हैविंग ग्रेट योगिक पावर्स अर्थात स्पेशली टू उनमें मी बहुत योग आई एम शक्तियां अ हैं। ग्रेट स्नेक स्नेक मुझे सॉरी देखिए, मैं एक योगी कुटिल सांप था। जेलस माय सर्प नेचर जो होते हैं वो एंड स्वभाव से ही बहुत क्रोधी और ईर्ष्यालु होते हैं। दे डोंट मेक यू गो टू सम अदर एनिमल समथिंग दे मे ट्राई टू जैसे हर्ट आप यू किसी और पशु के पास जाएं, शेक देयर उसके माइंड पास जाएंगे, बट उनका गाल सांप को कैन नॉट डू सहलाए या शरीर को दैट सहलाए, नथिंग लेकिन कैन डू सांप ऐसा नहीं है। सांप तुरंत फिजिकली डस लेता है। सांप केवल सो मारना स्टिल चाहता है। आई वाज ग्रेट इसलिए वे कह रहे हैं कि पर्सन एक महा एंड आई गंदा पशु था डेयर्ड एक्ट और बाय मैंने एक स्टेपिंग इन बहुत ही घृणित कार्य किया, आपके पिताजी के चरण को एंड डसने का स्मॉल प्रयास किया। स्मॉल एंड देन सडनली और फिर सच अचानक से पर्सन ऐसा शेयर्ड लब्ध पतित सद्विवेक स्वाम व्यक्ति, स्वामी एंड नाउ आई हैव अटेन्ड दिस इंटेलिजेंस और अभी मुझे यह बुद्धि प्राप्त हो गई है प्रेजिंग यू कि आई मैं सिंग टू यू आपका गुणगान कर हाउ रहा इज हूं, दिस पॉसिबल बिकॉज ये कैसे संभव हो सकता है। ऑब्वियसली हिज माइंड सेट प्रीवियसली वाज दैट ही वाज सो प्राउड तो पहले उनकी मानसिकता क्या थी? वे बहुत अहंकारी दैट ही थे। वाज मेकिंग फन ऑफ द सेजेस बट वे ऋषियों का ही मजाक उड़ा रहे थे। अभी वही व्यक्ति इतना नम्र सो बन देयर इज गया है। डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिटवीन नॉन डिवोटी एंड डिवोटी। अभक्त और भक्त में यही भेद होता है। सो ही सेज नाउ आई हैव लव्ड द सद विवेक तो वो एंड कह रहे हैं कि अब मुझे सद्विवेक, विवेक अच्छा विवेक प्राप्त हुआ है। सेंस टू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज प्रॉपर अब मैं बिहेवियर समझ सकता हूं कि सही क्या है, सेल्फ गलत क्या अवेयरनेस है, सही पावर। आचरण क्या है। तो दिस इज अचिंत्यम तब कह रहे हैं योगिन यह अचिंत्य है। योर मेजेस्टिक पावर योर ऑपुलेंस इज इनकंसीवेबल आपका ऐश्वर्य दिस अचिंत्य है। ब्रॉट सच अ चेंज इन मी वह मुझ में इतना बड़ा विच बदलाव लाया एक्चुअली है। इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग किसी व्यक्ति स्पेशली एन को एजुकेटेड बदलना लेवल पर्सन। यह सबसे कठिन है, विशेष करके एक अहंकारी व्यक्ति को शिक्षित बनाना, शिक्षा देना कृष्ण सेज यह दैट असंभव प्रणी है। पातेन इसलिए कृष्ण सो कहते हैं, तद्विद्धि सेज ही प्रणिपातेन परिप्रश्नेन इफ यू वांट टू सेवया, लर्न कि यदि आप शिक्षा हिंदी लेना चाहते हैं तो ये आपको यह करना होगा, यू हैव टू बाउ डाउन आपको झुकना होगा एंड डू सेवा और सेवा करनी होगी। ही अहंकारी विल नॉट डू दीज टू थिंग्स व्यक्ति ये दो चीजें करेगा ही नहीं, विल नॉट बाउ डाउन न वो प्रणाम करेगा, न झुकेगा, न सेवा करेगा। प्राउड पीपल मे नॉट ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस और अहंकारी अरोगेंट व्यक्ति पीपल प्रश्न भी नहीं नॉट ऑल पूछते, दे विल आस्क क्वेश्चन टू चैलेंज या दिस फिर वे ऑफ वे आस्किंग क्वेश्चन चैलेंज सो दिस करते हैं फिलोसोफर प्रश्न पूछकर। तो एडवाइजेस दीज थ्री थिंग्स टू अक्वायर नॉलेज इसलिए कृष्ण ज्ञान प्राप्त नॉट करने के लिए बाय तीन दिस सुझाव दे रहे हैं, गेट और नॉलेज अहंकारी सो व्यक्ति ये दैट नहीं यू करते, ग्रो इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। एंड नाउ सेज आई एम तो वे कह रहे हैं प्रपन्न कि मैं पहले इतना अहंकारी था, लेकिन अब मैं प्रपन्न हूं। सेम प्रणिपात वही प्रणिपात है। एनालॉजी सेज आई एम प्रपन्न सो हाउ इज दिस चेंज कम अबाउट तो यह बदलाव सो कैसे दैट आया? यू कैन हिट यह दिस कृष्ण की नॉलेज कृपा से आया, क्योंकि कृष्ण ने सो अपना दिस इज चरण मैजिक उनको टच शरीर पे स्पर्श किया था। तो यह जादुई स्पर्श है। सो दैट फॉर ही इज मार्वलिंग एट दैट तो इसलिए दिस रीजन दैट ही इज यूजिंग वे नॉलेज विस्मित हैं और नॉलेज ऑफ इसलिए कृष्णा ऐसे मास्टर शब्द कृष्ण के लिए अकाउंटेंट प्रयोग कर रहे हैं। महायोगिन, देवा महापुरुष, सर्व सतपति, पुरुष देव, अवतार
सर्वलोकेश्वरेश्वर महापुरुषाणाम श्रीमन सारार्थ नंदात्मनाम साधुनाम पते इति। सो ही सेज दैट यू आर महापुरुष तो ये कह सतपति रहे हैं इस कि टेम्पल आप ऑफ सतपति महापुरुष और सतपति हैं। हाँ एंड सतपति दैट यू आर द लॉर्ड ऑफ ग्रेट साधुज आप महान साधुओं के एटसेट्रा एटसेट्रा। स्वामी हैं, नंद महाराज इति इत्यादि। सर्पदेहान माम अमोचय स्वीय स्वीयान एतांश्च अपालय इति अपारम तव कृपा वैभवम् इति भाव। एंड यू हैव डिलीवर्ड मी फ्रॉम माय आपने सर्प मुझे सर्प देह से मुक्त एंड किया नाउ आई एम है योर ओन पीपल। सो और दिस इज योर ग्रेट आपने अपने लोगों की रक्षा भी की है, ऑपुलेंस ऑफ योर ग्रेस तो ये आपके डूइंग कृपा का थिंग्स महान ऐश्वर्य है। टू थिंग्स साइमल्टेनियसली कृष्ण ने एक सर्प साथ दो कार्य किए, एंड स्नेक उन्होंने सर्प की हत्या एंड नहीं एट द की, सेम वे उसकी हत्या भी कर सकते थे और नंद महाराज को बचा ही डिड सकते थे, नॉट किल हिम परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, रादर ही लिबरेटेड हिम बल्कि उन्होंने थ्रू उसे मुक्त किया। स्पिरिचुअल देहांत इसलिए वे कह एंड रहे हैं मोक्ष कि दैट ही लिबरेटेड मी फ्रॉम आपने सफरिंग मुझे इस सर्प देह से मोक्ष मुक्त किया नंद महाराज और नंद महाराज को की रक्षा भी की। सेज योर अमेजिंग ग्रेस तो यह सो आपकी विचित्र अनु अनुपम एव माम जानी। कृपा है। सो ही गिव्स एन इंटरेस्टिंग मीनिंग टू अनुजानी। जनरली अनुजानी यूज्ड इन द सेंस ऑफ टेकिंग परमिशन तो टू साधारणतः बी अनुजामी शब्द, अनुजानी एक्सटेंड शब्द फ्रॉम द वर्ल्ड स्वीकृति लेने के लिए है, सेपरेट परंतु जानी विश्वनाथ चक्रवर्ती मीन्स ठाकुर अनु को अलग ले रहे हैं और जानी ही को अलग ले सो रहे हैं। अनु मीन्स ए फॉलोअर अनु अर्थात जो पीछे चलते हैं, एंड जानी ही अनुयायी, मीन्स नो ही और सेज यू आर जानी ही जानना। ही योर सर्वेंट। तो अभी आप मुझे अपना सेवक समझें। सो दैट्स हाउ ही इज कमेंटिंग ऑन दिस वर्ल्ड। तो इस प्रकार वे इस शब्द पर मदन टीका कर रहे मोहन हैं। तो हम सद्यस्ते च्युत दर्शनात् यन्नाम गृह्णन्नखिलान् श्रोतॄणात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते। सो ही इज ग्लोरिफाइंग तो कृष्ण 17वें श्लोक में फीट वे कृष्ण के चरण का गुणगान कर रहे हैं। फुट। सो ही सेज दैट वे कह रहे हैं कि जस्ट बाय सीइंग यू केवल आपका दर्शन करने देन आई से, हैव इमीडिएटली बिकम रिलीज्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ द ब्राह्मणस। मैं तुरंत ब्राह्मणों के शाप से सो मुक्त हो दर्शन गया के हूं। बाद सद्य विमुक्तो हम इमीडिएटली देयर वाज नो डिले। तुरंत, इसमें कोई विलंब नहीं एज हुआ। सून एज ही सॉ कृष्णा ही बिकेम फ्री फ्रॉम दैट। जैसे सो उन्होंने कृष्ण को देखा, तृणात्मानम तुरंत उस सबसे मुक्त आत्मानम हो गए। श्रोतृन आत्मानम एव च सद्य पुनः। ही सेज दैट जस्ट बाय चैंटिंग योर नेम वो कह रहे हैं कि केवल आपका नाम और जप करने सेइंग योर नेम से या आपका नाम श्रवण करने से प्योरिफाइज वह तुरंत वन सेल्फ। व्यक्ति को शुद्ध सो करता व्हाट है। कैन आई से अबाउट तो पावर मैं ऑफ टच ऑफ योर फुट। आपके चरण के सो स्पर्श अगेन की शक्ति के जस्ट बारे में क्या कहूं, जो आपने अपना चरण मुझे स्पर्श किया है। बिकॉज नेम इज समथिंग विच बिलोंग्स लाइक यू आर अ पर्सन यू हैव योर पर्सनैलिटी यू हैव सम तो पावर ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे कि नाम होता है, जैसे आप एक सिमिलर व्यक्ति है, इन आपकी कुछ पर्सनैलिटी शक्तियां हैं, तो आपका एक नाम भी आई है। एम तो रिलेटेड बड़े लोगों का टू नाम होता है, तो योर एक कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस व्यक्ति से संबंधित हूँ, रिस्पेक्ट और तो उस सम्मान बाय संबंधित द व्यक्ति का नेम नाम सुन के ही हम उसका सम्मान करते हैं, एंड नाम के कृष्ण ही कारण। कृष्णा इज नेम इज नॉट और कृष्ण डिफरेंट के संबंध में तो नाम उनसे अभिन्न सो है। नेम इज वेरी पावरफुल। तो कह रहे हैं कि इवन इन आपका नाम बहुत शक्तिशाली है। पावरफुल पीपल भौतिक हैव संसार में भी सम वेट जो शक्तिशाली लोग होते हैं, स्टिल नेम इज उनके नेम नाम में फिर भी उनके नाम में भी शक्ति होती है, सो फिर भी लॉन्ग नाम तो एज नाम है। यू योर सेल्फ तो यह कह रहे हैं कि डोंट आपके ट्रस्ट मी व्यक्तिगत रूप से आपका फिर क्या कहना। से हाउ मच पावर इज देयर इन इट। तो सो आप उसमें, होप आपके चरण में हु हियर क्या दिस शक्ति मैसेज है, मैं क्या कहूं। तो प्योरिफाइज जो ऑल देयर आपका नाम सुनते सेंस हैं, अखिलान वो अपने सभी सदर्शन पापों से प्रभु मुक्त हो जाते हैं। होता
सारार्थ दर्शनी टीका। फ्रॉम माई बॉन्डेज फ्रॉम द कर्स सिंपली बाई सीइंग यू एंड तो वो कह रहे हैं कि वट कैन बी सेड आपके दर्शन अबाउट से दिस ही मुक्ति हो जाती है, सीक्रेट तो विच आपके इज चरण हिडन कमल फॉरएवर स्पर्श का क्या कहना। क्योंकि बट टू द मोस्ट दर्शन तो दूर से भी हो सकता नियर है, प्रॉक्सिमिटी टू यू परंतु स्पर्श के लिए व्यक्ति को सीक्रेट निकट होना पड़ेगा। कैन प्योरीफाई देम व्हाट इज द तो आपके पॉइंट ऑफ दर्शन से ही यदि कोई शुद्ध हो बीइंग जाए, टच्ड तो आपके स्पर्श का फिर क्या कहना। सो नाम एकम अपि गृह्णन् या कोऽपि किमुतहं दर्शन स्पर्शान् एंड एनीवन हु चैंट्स नेम ऑफ कृष्णा एंड हियर जो कोई भी कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, यहाँ पर एक वचन में कहा गया है, तो सो जस्ट वन नेम केवल कैन एक नाम प्योरिफाई बट टू स्पीक ऑफ मैनी ही शुद्ध कर नेम्स सकता है। तो नाउ अनेक नाम उच्चारण का क्या हियर कहना, आई एम सीइंग यू एंड और फिर ऑल्सो आपके दर्शन का फिर क्या बीइंग कहना, टच्ड बाय यू और फिर स्पर्श का सो होने ही इज से क्या नॉट क्या टच्ड कहना। ओनली एक्सटर्नली बट ही इज टच्ड इन हिज हार्ट तो वो उन्हों केवल बाह्य स्पर्श नहीं हुआ है, वो अपने हृदय में उनको स्पर्श हो गया है। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग लाइक दैट सो देयर इज हृदय ट्रांसफॉर्मेशन में ऑफ भी द दर्शन हार्ट है, व्हिच इज द तो उनके हृदय का परिवर्तन हो गया है। एंड ऑल इन यही ऑल वास्तविक दिस परिवर्तन हैज है, वेरी मच मीनिंग अन्य परिवर्तनों का सो कोई इट इज रिजल्ट विशेष महत्व नहीं होता। असली बदलाव जो है वो हृदय का परिवर्तन है। कृष्ण इन दिस हार्ट वह कृष्ण ने किया, कृष्ण ने सो उसका हृदय परिवर्तन ही बॉडी कर ऑल्सो दिया। हैज चेंज्ड तो बट इन वैसे हिज पूरा कमेंट्री शरीर भी बदलाव हुआ था। इन हिज कमेंट्री ही सेज दैट तो मैं पढ़ रहा था, जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं बट कि हिज उसने बॉडी अपना वाज शरीर ट्रांसफॉर्म्ड त्याग नहीं किया था, उसका शरीर दैट इज परिवर्तित हो गया व्हाई था। ही इज यूजिंग द वर्ड लाइक दैट इसलिए वो ऐसा नाउ यू शब्द हैव प्रयोग कर रहे हैं। बिकम सब्जेक्ट अच्छा तो दर्शन दिस इज हाउ ही इज स्पीकिंग लाइक दैट दैट आई गॉट फ्रीड इसलिए वो ऐसा कह रहे फ्रॉम हैं दिस ब्रह्मदंड कि मैं इस ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया। श्री शुक उवाच अगला श्लोक। इति अनुज्ञाप्य दाशार्हं परिक्रम्य अभिवंद्य च सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छ्रानन्दश्च मोचितः कृच्छ्रानन्दश्च मोचितः श्री सुखदेव गोस्वामी सेड दैट इन दिस वे व्हेन तो ही श्री गॉट सुखदेव परमिशन गोस्वामी जी ने कहा कि इस टू प्रकार उन्हें दाशार्ह कृष्ण से अनुमति मिली, जो दार्शार्ह ही हैं, सरकमएम्बुलेटेड हिम उन्होंने कृष्ण एंड की परिक्रमा की बाउंड टू हिम और उनको प्रणाम एंड किया। देन दिस विद्याधर बाय द नेम और ऑफ फिर सुदर्शन यह एंटर्ड विद्याधर, जिसका नाम सुदर्शन था, देवलोक वे देवलोक लौट देवलोक गए गाइस एंड नंद महाराज वाज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम और नंद महाराज संसार भी अपने कष्ट से मुक्त हो गए। सो देयर इज नो कमेंट ऑन दिस तो इस श्लोक पर कोई टीका नहीं है। Probable तो reaction of all this by the Brajvasis because they were all अब observing this व्रजवासी ये सब देख रहे थे, and तो very अब different of वे Brajvasis अपना भाव व्यक्त करते reading हैं। stories on पहले तो वे Krishna केवल सुनते थे, कृष्ण आए। in the forest and he was with the cowherd people or even if they happened people did not see it like when he अगर कुछ लीला होती भी, कई लीला उन्होंने देखी नहीं थी, पूतना जब कृष्ण ने पूतना वध किया बुलक डिस्कार्ट एंड या ऑल दिस जब असुरासुर दे वर नॉट शक्टासुर देयर वध किया, कोई वहां था सो नहीं मच वेदर देखने के लिए, केवल कुछ छोटे अर्जुन बच्चे थे, या दिस जब यमलार्जुन उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष नो को वन एवर उखाड़ा। सॉ पर दिस अभी जो हुआ वो सबने देखा। सो दिस इज द टॉक ऑफ द सी द व्हाट यू कॉल ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह ताजा खबर थी। निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं रजौ कृशो विस्मितचेतसस्ततः यहाँ कह रहे हैं कि
उस कृष्ण के वैभव का दर्शन करके, उनकी ग्रेटनेस महानता का दर्शन करके, द हार्ट ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ब्रजा ब्रजवासियों का विस्मित हृदय विस्मित हो गया, उनकी चेतना चेतना विस्मित हो गई, एक्सपैंडेड उनकी चित्त हार्ट ऑल्सो समटाइम्स विस्तार हो गया, हृदय भी कभी बिकम्स कंस्ट्रिक्टेड एंड संकुचित होता है, सेंसिटिव कभी एंड विस्तृत होता है। जब वह जब भय होता है, बिकम्स स्मॉल व्हेन यू आर हैप्पी तब इट ब्लूम्स लाइक अ जब भय फ्लावर होता है तो शरीर जैसे छोटा हो जाता लाइक अ है, जब रोज खुशी होती है एंड तब स्ट्रेट शरीर बढ़ता है। सो इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट ये सब हृदय से ही फर्स्ट शुरू ऑफ ऑल होता है। चेंज हैपेंस इन द हार्ट देन इट रिफ्लेक्ट्स इन द बॉडी सो दे वर ऑल एस्टोनिश्ड बाय सीइंग तो ये दिस सब विस्मित हो गए थे, ये सब सो इट देखकर। देम दैट बट दे डोंट सी हिम दैट ही इज गॉड और एनीथिंग लाइक दैट ऑल्दो दे नो दैट ही इज समबडी स्पेशल तो एंड यद्यपि वे जानते थे एवरीबडी कि लव्स हिम कुछ तो विशेष है एंड कृष्ण दिस पर, ऐसे इज भगवान है ऐसे नहीं समझते एंड थे। देयर तो सर्कलिंग अराउंड हिम सब ब्रजवासी उनके दे ओर डोंट परिक्रमा थिंक कर रहे थे, पर वे ये नहीं सोच रहे थे कि ये नारायण है, तो इज गॉड और एनीथिंग लाइक दैट भगवान है या ऐसा कुछ है। सो देयरफॉर दे वर एस्टोनिश्ड टू सी इसलिए दिस वे ये सब देखकर विस्मित हो सो गए देयर थे। वाज किल नियमम पुनर्व्रजन सो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर व्रता देयर उनके व्रत को दे समाप्त करने के पश्चात, जिसके लिए वे गए थे, रियलाइज नियमम दैट वाओ अर्थात वह व्रत जो नियम सेवा द है, पुनर्व्रजम नृप आययौ सो दे रिटर्न बैक टू व्रजा ओ किंग वे व्रज वापस लौट गए, तत कथयन्त आदृतः सो दे केम एंड देन दे वर वे व्रज में आए टॉकिंग अबाउट दिस और इस लीला के बारे में देयर बात कर रहे थे। विजन्स दोज हु सॉ दे वर रिसाइटिंग टेलिंग जो द जिन्होंने ड्रीम्स लीला दे वर देखी आस्किंग वे अबाउट बता रहे थे, अन्य अन्य लोग सब दिस पूछ रहे थे क्या हुआ, कितना बड़ा हाउ सांप डिड इट था, लुक वो कैसा दिखता था, एंड वेयर डिड इट गो वो कहाँ हाउ गया, डिड क्योंकि इट सडनली डिसअपीयर इन्होंने देखा कि ये अचानक से अदृश्य हो गया, और उन्होंने पूछा कि ये जो एंड खड़ा देन था ये ही कौन सॉ था, हिम एंड ही डिसअपीयर सबने देखा फिर वो भी अदृश्य हो गए। सो ऑल दिस टॉक वाज गोइंग ऑन व्हेन दे वर तो ये रिटर्निंग सब बातें चल रही थी जब वे लौट रहे थे। सो विस्मित चेतसा इति जस्ट कमेंटिंग ऑन विस्मित चेतसा दिस एस्टोनिश्ड हार्ट अहो तो इति हृदय अस्मान विस्मित हो गया था, भगवान सारार्थ ब्रह्म दर्शिनी टीका। अस्मान विना क्षण मात्रम अपि न निर्वृणोति स एव कृष्ण किं परमेश्वर एव चेद तथा पित्रादयो वयम अपि महापुरुषा एव भवाम सो देन दे आर सेइंग दैट वेल दिस इज क्वाइट वंडरफुल यू नो तो फिर वो कह रहे थे कि ये तो दिस गाय इज स्मार्ट बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर बात है कि ये एंड छोटा लड़का स्टिल बालक है जो हमारे बिना रह नहीं सकता, डिपेंडेंट ऑन अस जो हमारे ऊपर निर्भर है, वी हैव सीन बचपन से हमने इसे देखा है। बिकॉज ही इज ऑलवेज हैंगिंग अराउंड नंद महाराज ये यशोदा तो नंद माता महाराज यशोदा माता के इर्द गिर्द सो केवल घूमता रहता है। इफ ही इज गॉड यदि वह वी मस्ट भगवान है तो हम तो बहुत बड़े महान रहे होंगे। ऐसा लॉजिक वो ऐसा तर्क दे रहे हैं। तो वो सो कोई कृष्ण पर विस्मित नहीं हुए, स्वयं पर विस्मित हुए कि यदि ये लड़का भगवान है तो हम लोग सब कितने बड़े महापुरुष हैं, हम लोग साधारण लोग नहीं है। तो वे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि बड़ी विचित्र बात है, हमको पता ही नहीं था हम लोग इतने महान हैं। So that's what they are saying. That he says तो that ये वो कह रहे हैं कि Seva Krishna kim Parameshwara hai bhai. Is this Krishna Parameshwara? Is he God? ये He कृष्ण said क्या yes, he's परमेश्वर God. है, भगवान है। Then etat pitradayo vayam api. So then यदि ये the सत्य है uncle and तो हम जो हैं, elderly हम people, उसके चाचा because और all their, इत्यादि, you know, they all are related. ब्रज Your में तो सब uncle, एक दूसरे से so संबंधित they थे। all तो say, right? Kaka, chacha, tha, like that. So he says we are pitradayo, we are like uncle and In English, you only have one word in Hindi हम तो and उसके काका चाचा English, ताऊ you इत्यादि have many हैं, words. So he says, we are Mahapurusha. हम लोग सब तो महापुरुष हैं। So they are very surprised that they are so great and they don't know this. तो वे चकित हो गए थे कि वे इतने महान हैं और So उनको they पता are ही नहीं very था। अति धन्यो. So he says, therefore, this Garga Muni is really to be thanked. तो उन्होंने कहा कि ये गर्ग मुनि का तो धन्यवाद देना Garga चाहिए। Muni really
नारायण स्वामी उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का नारायण जैसा है, बिकॉज इसलिए इसका अच्छे से इसके साथ व्यवहार करिएगा। उस समय हमने समझा नहीं था कि हम कितने महान हैं, पर वास्तव में गर्ग मुनि हमारे बारे में बात कर रहे थे, इनके बारे, कृष्ण के बारे में नहीं, वो हम भूल गए थे। तो अब यह निश्चित हो गया है कि हमने देखा भी, और जो वरुण के सेवक हैं उन्होंने नंद महाराज को पकड़ लिया था, तब कृष्ण गए थे नंद महाराज को छुड़ाने के लिए वरुण लोक में से। तब वरुण आए थे और कृष्ण की स्तुति की, कृष्ण की पूजा की, उन्हें उपहार दिए। और अभी ये विद्याधर को भी देखा, ये विद्याधर भी देखने में कोई देव जैसा लग रहा था। ये लोग सोच रहे थे कौन है, पता नहीं कोई अन्य ग्रह से है क्या। तो उसके तरफ, उनके तरफ भी कोई भगवान की तरह देखा, उन्होंने देखा कि, हमने देखा कि वो भी कृष्ण के चरण में गिर रहे थे, उन कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। ये तो बड़ी महान बात है कि ये लड़का हमारे ऊपर निर्भर है। तो यदि ये महान, यदि ये इतना महान है, तो फिर हम कितने महान होंगे, क्योंकि ये तो हमारे बिना रह नहीं सकता। तो सुदर्शन विद्याधर की मुक्ति की लीला यहाँ समाप्त होती है, और जो अगली लीला है वह शंखचूड़ वध की है, अब वह आरंभ होती है। शिवरात्रि तो शिवरात्रि है, एंड आफ्टर और 2 वीक्स उसके 2 सप्ताह बाद फेस्टिवल ऑफ होली होली का उत्सव आता है, दैट इज ऑन पूर्णिमा फाल्गुनी पूर्णिमा वह फाल्गुनी पूर्णिमा पे होता है। सो इट इज दैट नाइट यह वह रात्रि सो है। दिस इज अ कस्टम ऑल अराउंड नॉर्थ तो ये इंडिया एक प्रथा है, कम से कम उत्तर भारत महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तर पंजाब प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात राजस्थान, गुजरात में मध्य प्रदेश, गरबा डांस गुजरात में भी जैसे गरबा नृत्य होता है, लड़के लड़की वो छड़ी लेकर नृत्य करते हैं। ये होली का समय है, तो ये परंपरा कृष्ण के समय से चली आ रही है। तो कृष्ण भी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, खेल रहे थे। तो गांव में यह उत्सव मनाया जाता था, स्त्रियां नाचती थी, गाती थी, तो गर्भा नृत्य। तो गर्भा नृत्य तो गुजरात से सबने देखा होगा। So it says, तो क्या कह रहे हैं कि किसी एक दिन, गोविंद और राम अर्थात कृष्ण और बलराम, उन्होंने अद्भुत कार्य किए जो करते हैं। एक रात्रि को एक वन में स्त्रियों के साथ, व्रज की स्त्रियों के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ जो द्विवचन है, अधिकतर हम देखते नहीं है, अधिकतर एक वचन या बहुवचन ही रहता है, परंतु संस्कृत में द्विवचन होता है, यहाँ पर वह उपयोगी है, क्योंकि कृष्ण और बलराम वे संस्कृत के द्विवचन का उपयोग दिखा रहे हैं। अभी यहाँ सब कुछ द्विवचन में होगा, तो विजह ऋतु यह द्विवचन में है, मध्य गौ। तो वे रात्रि के मध्य में जा रहे हैं, सारार्थ दर्शनी टीका। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कदाचित किसी एक समय, यह शिवरात्रि के बाद का समय है, रात्रि के समय जब काफी चंद्रमा की चांदनी थी, तो वह शायद होली का समय होगा या कोई और दिन, क्योंकि यह गायन तो बहुत दिन चलता था। तो व्रज योषिता मध्य गौ, अर्थात कि
स्त्रियों के बीच में कृष्ण और बलराम दोनों थे वहां, होलिका क्रीडायां, और ये होली का इट्स एक कॉल्ड होली ऑल्सो, क्रीड़ा का समय था। इस क्रीड़ा ओके, को होली भी कहते हैं, जैसे होली खेलना। तो सो दिस इज रिटन इन वैष्णव तोषणी, कह रहे हैं कि ये एंड वैष्णव ऑल्सो तोषणी में लिखा है। वर्ड चा हियर इज इंडिकेटिव दैट देयर जीव वर गोस्वामी सिमिलर इन यह भी नेचर, कहते हैं कि छह अर्थात यहाँ पर इट इज नॉट जस्ट अन्य ग्वाल बाल रिलेटेड भी टू थे, क्योंकि कृष्णा वर्जन, ये रासलीला नहीं है कि केवल इट्स कृष्ण अ होंगे और गोपियां कॉमन रहेंगे। ये एक अलग प्रकार का उत्सव है कम टुगेदर जिसमें सभी पुरुष स्त्री आते सिंग हैं, डांस वे शो कलर्स, गाते हैं, नृत्य करते हैं, शो कलर्स, रंग फेंकते हैं। यह रंगों का उत्सव है। सो देयरफॉर ही सेज दैट गोविंदो रामस चाचा इंड इज तो इसलिए इंडिकेटिव दैट कह रहे हैं कि देयर फ्रेंड्स वर आल्सो देयर, गोविंदो रामश्च च अर्थात उनके मित्र भी थे। मनो तो ललितम स्त्री जनैर्बद्ध सौहृदैः स्वलंकृतानुलिप्तांगौ सद्विनोर्जोंबरौ, ऑल ड्यूअल केसेस आर हियर नाउ, यहां सभी द्विवचन है। उपगीय मानव सदैव उपगीय रूपमानस मानव अर्थात उनका गुणगान हो रहा था, वुमेन स्त्री स्त्रियां जनैर्बद्ध उनका गुणगान कर सौहृदैः रही थी। हू वेरी बद्ध अट्रैक्टिव सौहृदय, जो देन बहुत सुहृद थी उनकी, देवर डेकोरेटेड स्वलंकृतानुलिप्तांगौ, और देवर वे सजी डेकोरेटेड हुई थी विथ ऑर्नामेंट्स एंड विभिन्न ऑर्नामेंट्स आभूषणों से, उनके शरीर सुगंध सजे हुए बल्ब्स थे सैंडलवुड पल्प एक्सेट्रा, और चंदन इत्यादि लेप गोविंदो लगे हुए थे, वे वेयरिंग गार्लैंड्स रघुवीनो माला पहने हुए थे। सिंगिंग तो एंड विरजांबुरु एंड दे हैड वेरी क्लीन ड्रेस, और यद्यपि उनके वस्त्र बहुत स्वच्छ थे। दिस इज फुल ऑफ डस्ट, यद्यपि वे व्रज में रहते हैं जहाँ वन स्पेसिफिटी ऑफ बहुत व्रज धूल इज है, डस्ट, तो व्रज की एक विशेषता है वहाँ की, वहाँ का रज। ऑल द डस्ट इज इन मेनी प्लेसेस बट दिस प्लेस डस्ट इज कॉल्ड व्रज राज, सब जगह धूल होती है, सो परंतु व्रज की धूल के लिए एक अलग सो नाम है, उसे ब्यूटीफुल रज कहते स्नो हैं। विदाउट एनी डस्ट, यहाँ कह रहे हैं कि उनके इट्स वस्त्रों पर कोई रज नहीं थी, आयरन क्लीन मतलब एकदम चकाचक थी। वेरी, सो वीरज उसमें कोई रज नहीं था, स्कैंडलस कोई दाग वगैरह कुछ नहीं था। विरजांबरो स्पेसिफिकली मेंशन दैट देवर एंड स्पॉटलेस ड्रेसेस तो उनके बहुत वेरिंग, सुंदर और बिना दाग के कोई वस्त्र पहने हुए थे। इस सो नो कमेंट्री इन दिस श्लोक पर कोई टीका सेंटेंस, नहीं है। देयर इज नो कमेंट्री, देन निशा मुखम मानयन्तौ उदितौ उडुपतारकम मल्लिका गंधमत्ताले जुष्टम कुमुदवायुना, जगतो सर्वभूतानां मनः श्रवणमंगलं तौ कल्पयन्तौ युगपत् स्वरमंडलमूर्छितम्। सो इट वाज द बिगनिंग ऑफ नाइट, तो वो निशा रात्रि मुखं का आरंभ हुआ था, मानयन्तौ, सो दे ऑनर्ड उन्होंने सम्मान किया टू मेन, दे आर प्रेजिंग द रात्रि का, नाइस वे रात्रि का गुणगान कर ब्राइटनेस रहे थे दोनों। बिकॉज इट्स कॉल्ड और रात्रि इतनी एंड स्प्रिंग ठंडक सीजन थी, एंड ब्यूटिफुल वसंत ऋतु का समय था, मून एंड स्टार्स वर और शाइनिंग ब्राइट, चंद्रमा मस्त तारे मॉर्निंग, सब चमक रहे नो थे, कोई क्लाउड्स नो पॉल्यूशन, बादल नहीं थे, कोई इट्स अ वेरी क्लीन एटमोसफियर, बहुत स्वच्छ वातावरण था, कोई प्रदूषण एंड नहीं था, फ्रेग्रेंट कुमुद और वायुना, हवा बहुत सुगंधित थी। शेयरिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द कुमुद फ्लावर एंड वायु द में मल्लिका कुमुद फूल की फ्लावर्स, सुगंध बह रही थी मानयन्त और आर्यजुष्टम मल्लिका फूल की भी दोज सुगंध बह रही स्पॉटलेस थी। फ्लावर्स इतने सुंदर फूल थे कि बीज आर सर्कलिंग अराउंड, मधुमक्खी वहां पर स्वार्म्स घूमते थे, बीज स्वर्लिंग अराउंड द फ्लावर्स मल्लिका गंधमत्ताली तो जुष्टम मधुमक्खी वहां घूम रही थी। कुमुदवायुना, सो निशामुखम निशारंभम, निशामुखम मीन्स दैट तो इट वाज निशा मुखम बिगनिंग ऑफ द अर्थात नाइट, वह रात्रि का आरंभ बिकॉज दे था। हैड जस्ट एट देयर डिनर एंड देन बिकॉज देयर इज नॉट मच टू डू एट नाइट, इन द डे टाइम दे टेक द क्राउड क्योंकि रात्रि को ज्यादा कुछ करने का तो था नहीं, फुल दिन में वे गाय चराते थे, टाइम, संध्या के समय दूध ले लिए सो यू कैन और जस्ट भोजन हो गया, रिलैक्स, तो अब वो केवल नृत्य करेंगे, सो गाएंगे। तो निशारंभम सत्कुर्वन्तौ, सो दे विल प्रेजिंग नाइट, उदित वे रात्रि का गुणगान कर रहे सूर्योदय थे। यत्र तत्, एंड द मून हैज अरिजन, दैट्स व्हाई इट वाज
और चंद्रमा का उदय हो गया, जस्ट बिफोर दैट तो क्या तो वह पूर्णिमा की रात्रि थी या चतुर्दशी होगी। तो रात आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, तो कुंद फूल की गंध वायु में बह रही थी, और फिर दोनों भाई गा रहे थे। और वे क्या जो गा रहे थे वे स्वयं ही रच रहे थे। तो यहाँ भी ऐसे होते हैं कि व्रज में कई लोग तुरंत 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 रचना करते हैं और उसको गाते हैं, पहले से रच के नहीं रखते। तो जो पुरुष स्त्री होते हैं, यहाँ ऐसा ऐसा प्रतियोगिता चलती है कि आपस में कविता के रूप में प्रश्नोत्तर करते हैं और फिर नृत्य भी करते हैं। तो कविता बना रहे थे और गा रहे थे। जब दोनों अच्छे राग में गा रहे थे, तो राग ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे रागों में ऐसा होता है, सभी रागों में। तो उसपे मूर्छना कहते हैं। तो यहाँ तो अपने स्वर से ही गा रहे थे, हो सकता है उस समय कोई वाद्य वगैरह भी होगा। अभी भी आप देखेंगे व्रज के गांवों में अलग अलग वाद्यों से गाते हैं, नृत्य करते हैं, लंबे छड़ी से वाद्य बजाते हैं, बहुत जोर आवाज होती है। सूरज कुंड मेला सूरज कुंड में जो मेला होता है उसमें वे आते हैं, वहां पर वे आते हैं और उधर गाते हैं। तो ये पारंपरिक तरीका है गाने का और उत्सव मनाने का। तो यहाँ तो जो गाया जा रहा है वो बहुत ही ऊंचे स्वर में था, ताकि दूर तक भी लोग सुन सके। तो जगतु अर्थात उन्होंने गाया। सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम, देयर सिंगिंग वॉज वेरी अपीलिंग ऑस्पिशियस लाइकेबल टू तो ऑल उनका लिविंग गाना जो है वो बहुत मंगलमय था, सब पसंद कर रहे थे, सभी जीवों को स्वीट मन में सिंगिंग उनको सुनने में बहुत ही मधुर लग रहा था और सर्वभूतानां मन में बहुत अच्छा लग रहा था, इवन केवल बर्ड्स मनुष्य नहीं सभी जीवों को, इवन रियलिस्ट सिंगिंग ऑफ कृष्ण एंड बलराम कैन इमेजिन कृष्ण सर्वभूतानां। तो सिंगिंग आप कल्पना कर सकते हैं कृष्ण यदि गाएंगे सो तो वंडरफुल क्या होगा। सो युगपद एके नैव स्वर मंडला नाम एंड देन द सिंगिंग इज डन व्हेन और द यह होल ऑर्केस्ट्रा गाना तब होता है सिंग जब इन कोरस जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मेक्स इट गाएं, मोर स्वीट एंड तो ब्यूटीफुल और भी मधुर और भी सुंदर लगता है। मूर्छितम मूर्छनाम निबद्धत्वात् सो दिस इज कंपोज्ड इन म्यूजिकल मैनर तो एक संगीतमय तरीके से रचना किया था उन्होंने। शक्यमेव कल्पयन्तम् सो इट सेज ऑल्दो इट इज नॉट तो कह रहे हैं कि यद्यपि इवन पॉसिबल फॉर वह ये मोस्ट तो पीपल संभव भी नहीं है साधारण व्यक्ति के लिए, कल्पना भी नहीं किया जा दे सकता, मस्ट बी परंतु कंपोजिंग एंड सिंगिंग वे ऐसे रचना कर रहे थे और फिर तुरंत गा रहे थे। तो सो कंटिन्यू टू डिस्क्राइब योर स्टॉक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यहाँ विराम देंगे, यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। In chapter 16, we learn how प्रश्न है, Saptakamaya also had a सोलहवें chance अध्याय to में become हमने सुना the था कि highest in कालिया this chapter. नाग को भी ऐसे So, if कृपा both मिली थी। क्या serpents received the same type of bhakti, ये and if yes, was दोनों it samanya? सर्पों ने एक ही प्रकार की भक्ति प्राप्त Or, की, क्या वह सामान्य भक्ति if थी? both of the serpents received the same type of bhakti, and if yes, was it samanya bhakti? Yeah, it is samanya. तो उत्तर है हाँ, इनको तो सामान्य भक्ति ही प्राप्त हुई। सामान्य भक्ति ना हो तो वे उस जगह से जाएंगे ही नहीं, जस्ट वो सामान्य ही है। जनरल पर दोनों में समानता यह है कि बट ये सांप जो है कॉमन इसको मारा नहीं गया, कालिया को भी उन्होंने मारा नहीं था और इस सांप को भी मारा नहीं। थिंग इज दैट
पर अगासुर बिकॉज़ की एक अवध किया ऑफ गया था, क्योंकि अगासुर ने निगल ही लिया था सारे ग्वाल बाल, और कृष्ण स्वयं भी अंदर ही थे, तो उसके उसका वध करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। पर ये सांप जो है, इनको कृष्ण ने छोड़ दिया, इनका वध नहीं किया। ठीक है।